हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? यहाँ पर कर रहे हैं सुबह की पूजा। ओके तो गाइस, मैं यहाँ अभी सो के उठा हूँ, अब बज रहे हैं 2। यहाँ पर मेरी मम्मी लगा दी थी सीढ़ियों में झाड़ू, और मैंने सोचा मम्मी की कुछ हेल्प कर दूँ। ये मम्मी ने शाम को कपड़े धोए थे और मेरे पापा गए हैं अभी गांव में। मम्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है और इसलिए मैं उनके साथ उनकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वे संडे में हर संडे साफ सफाई करती है। ये अभी हम ऊपर आए थे, यहाँ पर मम्मी धो रही थी सिंक। मम्मी जी मेरी हर दिन सिंक धोती है। यहाँ पर मेरी मम्मी जी दे रही है पौधों को पानी। तो गाइस, हमने यहाँ पर अपने पेड़ पौधे ऊपर रख रखे हैं। देखिए हमारे पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, हम इन्हें हर रोज पानी देते हैं। मेरी मम्मी यहाँ पर अभी धुलने लग रही है। मेरी मम्मी को इतना साफ सफाई का शौक है कि कुछ भी गंदा नहीं होने देती मेरी मम्मी। ये मम्मी लगा रही है ऊपर के फ्लोर में कमरे के अंदर पोछा। यहाँ पर कल शाम मम्मी जी ने यहाँ पर ये कपड़े धोए थे। यहाँ पर मम्मी जी का हो गया है कमरे के अंदर पोछा फिनिश। ये मम्मी लगा रही है ऊपर के हॉल में पोछा। देखिए हमारा हॉल कितना सुंदर है। मेरी मम्मी इतना मेहनत करती है और बहुत मम्मी को बहुत अच्छा लगता है साफ सफाई करना। यहाँ पर मम्मी जी पोछा लगा कर नहाएगी। यहाँ पर कर रही है मम्मी जी ब्रश, और मम्मी जी नहाने से पहले हमेशा ब्रश करती है, क्योंकि ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। यहाँ पर कर रही है मम्मी जी फेस वॉश। उतार रहा हूँ कपड़े, क्योंकि मेरी मम्मी गई है नहाने, और फिर मैं कपड़े उतार कर नीचे जाऊंगा और फिर मैं मम्मी की हेल्प कराऊंगा इन्हें तय लगाने में, क्योंकि मेरी मम्मी के चोट लग रही है हाथ में, उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं कभी कभी उनकी हेल्प करा देता हूँ, पोछा मार देता हूँ या झाड़ू या कपड़े उतार। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ नीचे, फिर मैं इन कपड़ों को रख के कुछ और कपड़े भी हैं उन्हें लेके जाऊंगा, और फिर मैं जो एक काम हो गया ऊपर फिर वो करूँगा। बाय। यहाँ पर ये कपड़े रह रहे थे, पहले मैं इसे बंद करूंगा और इसे रखूंगा, फिर मैं इन कपड़ों को ले जाऊंगा। गाइस, आज की मेरे संडे की छुट्टी थी, इसलिए आज मैं काम करूंगा मम्मी को। तो अभी मैं कर रहा हूँ गेट बंद, और फिर मैं जाऊंगा नीचे, मम्मी जा रही है नहाने, नीचे जाकर कपड़ों की तय लगा। यहाँ पर मम्मी आ चुकी है नहा के, और लगा रहा हूँ मैं अपने पापा जी के और मम्मी जी के कपड़ों पे तय। आज मैंने सोचा कि आज मम्मी की हेल्प करा दूं और उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दे, मैं पेन ना हूं। यहाँ पर किट्टू कर रहा है पढ़ाई, कल इसका एग्जाम है मैथ्स का। मैथ्स का ही तो है ना, और MSc कल किसका है?
तो क्या कर रहा है तैयारी? तो पढ़ रहा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिख रखा? इतने छोटे छोटे थोड़े बड़े से लिख लिया कर। मुझे अच्छी लग रहा है यार राइटिंग। किट्टू बनाना शेक पीएगा या केड़ा खाओगा? जल्दी बता केड़ा खान। बनाना शेक बना दू? बनाना शेक जल्दी बता है। या केड़ा खावे ऐसे? अभी ये पड़े हैं मेरे कपड़े और इनको लगाऊंगी मैं तय। ये बना दिया है मैंने हम तीनों के लिए बनाना शेक, किट्टू का, मेरा और ये कान्हा जी का। यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ और अभी मैंने प्याज और टमाटर हरी मिर्च को कट कर लिया। ये सोयाबीन की पड़ी भिगो दी है। यहाँ पर मैंने ले लिया सभी सूखे मसाले। तेल पक गया था उसमें डाल दिया मैंने प्याज और हींग। अभी इसको प्याज में सुनहरा होने तक भून लेंगे। फिर इसमें सारे सूखे मसाले प्याज टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगो कर रखी थी उनको पानी में से निकाल कर निचोड़ कर उनको फ्राई कर लेंगे जब टमाटर की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो गाइज ये था आज का नाश्ता। प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। एक लाइक आपका बहुत मोटिवेट करता है। आज का पूरा ब्लॉग किट्टू ने शूट किया है तो एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर कलर आएगा और गाइज खाने में तो इतनी टेस्टी लगी है, इतनी टेस्टी लगी चाय के साथ में बहुत ज़्यादा। तो गाइज आज के ब्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त। बाय एवरीवन, कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग।